हेलो एवरीवन रोन ये है दिसंबर 2024 की लव आरो रीडिंग आई एम वेरी सॉरी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग्स लेट हो गई वीकली भी नहीं अपलोड हो पाया एक्चुअली मैं पीछे बहुत ट्रैवल कर रही थी मुझे एल ए विजिट करना पड़ा अपनी सिस्टर को और अभी मैं इंडिया में हूँ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होती है ना टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बड़ा हॉटपॉट हो जाता है इतना मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए वीकली अपलोड कर दूँ आपका मंथली टाइम से जाए बट नहीं हो पाया एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अभी भी देखिए दिसंबर मंथ पूरा बाकी है आज फोर्थ दिसंबर है आपकी मंथली रीडिंग अपलोड हो गई है और बहुत जल्दी ईयरली रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी एंड आई एम कमिंग अप विद वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर 2025 सो स्टे ट्यून्ड और चलिए जी आपकी मंथली रीडिंग शुरू करते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा आपके पार्टनर की आपकी क्या एनर्जीज होंगी तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशि हो आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं चलिए आप लोगों के लिए देखेंगे दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ़ कार्ड्स हैं फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे थर्ड सेट ऑफ़ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है थ्री ऑफ सोल्स और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से यहाँ दिसंबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट महसूस कर रहे हैं एक तकलीफ़ एक पेन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और ये भी हो सकता है कि पीछे बहुत एक हर्ट आप महसूस कर रहे थे और दिसंबर स्टार्टिंग में किसी लेवल पे आप उस हर्ट से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं और शायद इसीलिए किंग ऑफ सोज एंड क्वीन ऑफ सोज के कार्ड्स कहते हैं कि दिसंबर मंथ में आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन ब्लंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ दिख रहा है आप इमोशंस फीलिंग्स सेंटिमेंट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि उतना इमोशनल उतना सेंटिमेंटल पार्टनर के लिए नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर नहीं महसूस करना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे आप हर्ट हुए फिर से आप हर्ट ना हो जाएँ और आई डोंट नो मैंने मेंशन किया या नहीं किया यहाँ पर किंग ऑफ सोज एंड क्वीन ऑफ सोल्स के कार्ड कहते हैं कि बहुत ब्लंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आप अपने पार्टनर के साथ करते हुए दिख रहे हैं इनफैक्ट एक क्लैरिटी भी कम्युनिकेशन में रखते हुए दिख रहे हैं बहुत लबी डबी आप नहीं होते हुए दिख रहे हैं अगर फीलिंग्स हैं तो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इनफैक्ट देखिए डीपर लेवल के लिए बुक के बटरफ्लाई एंड डॉग के कार्ड्स कहते हैं जो आप फील कर रहे हैं महसूस कर रहे हैं आपके एक्शन उससे थोड़े से डिफरेंट रहते हुए दिख रहे हैं मन में बहुत एक प्यार मोहब्बत आप महसूस कर रहे हैं आपके मन में आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़बरदस्त लॉयल्टी है देखिए डॉग कहीं फ़ेथफुलनेस लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है तो बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के लिए फेथफुल हैं लॉयल हैं एंड बटरफ्लाई का कार्ड कहता है कि जो भी इश्यूज़ मसले हैं आप उनको सॉल्व कहीं मन ही मन करना चाहते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं बेटर करना चाहते हैं बुके का कार्ड कहता है आप उनको सरप्राइज़ देना चाहते हैं या फिर उनके साथ अपने रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस चाह रहे हैं हारमोनियस रिलेशनशिप उनके साथ चाह रहे हैं लेकिन सर्फेस लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी आप लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं उतना यू नो इमोशनल या तो अगेन नहीं हो रहे हैं या इमोशंस नहीं उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो आप मन में महसूस कर रहे हैं वो आप कह नहीं रहे हैं आप मन में प्यार महसूस कर रहे हैं और बात आप बड़ी ही लॉजिकल कर रहे हैं और अब देखते हैं एक्वेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं तो देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं की एंड टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी इशू मसला है मन ही मन डीपर लेवल के लिए आपके पार्टनर उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं देखिए चाबी की जरूरत कब पड़ती है जब कहीं ताला लगा होता है ना तो यहाँ पे ताला इज़ प्रॉब्लम एंड चाबी इज़ सल्यूशन तो आपके पार्टनर भी जो भी इश्यूज़ आप दोनों तो के बीच में रह रहे हैं उनको सॉल्व मन ही मन अगेन मैं कहूँगी करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ टाइम से यहाँ दिसंबर स्टार्टिंग में एक हंड्रेड परसेंट अपना एफर्ट नहीं देते हुए दिख रहे हैं कभी आपको कन्विंस करते हैं या फिर यू नो आपसे बात करते हैं या Uh, काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं और कभी एकदम से गायब हो जाते हैं तो बहुत एक इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ रह रही हैं अब रीज़न सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और इसलिए वो अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है वो आपको लेकर इस रिलेशनशिप को लेकर टू माइंड्स में हैं इसलिए हंड्रेड परसेंट नहीं दे पा रहे हैं तो देखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा बट येस बहुत इन एंड आउट अप एंड डाउन वाली उनकी एनर्जीज रह रही हैं लेकिन मिड दिसंबर के लिए फोर ऑफ वॉन्स एंड बेड के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक फिज़िकल कनेक्ट फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ महसूस कर रहे हैं या फिर आपके लिए बहुत एक डिज़ायर बहुत एक यू नो लव महसूस कर रहे हैं और कहीं आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ टुगेदरनेस चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ विकेशन पे जाना चाह रहे हैं कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं इंटरैक्शन करना चाह रहे हैं तो देखिए मिड दिसंबर में या दिसंबर में किसी भी टाइम पीरियड पे वो एक जेन्यन एफर्ट कर सकते हैं वो आपसे कनेक्ट करने के लिए या चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए फिर से मैं कहूँगी बहुत ईगर रह सकते हैं एंड एंड दिसंबर के लिए माउंटेन एंड द फूल के कार्ड्स कहते हैं कि आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ टुगेदरनेस चाह रहे हैं लेकिन कहीं मुझे लगता है कि वो कमिटमेंट uh, आपको नहीं देना चाह रहे हैं वो बहुत ईजी चीज़ों को ले रहे हैं बहुत ज़्यादा कैजुअल चीज़ों को लेकर हो रहे हैं एक सीरियसनेस नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों की एंड माउंटेन का कार्ड कहता है कि शायद उनको खुद भी इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि वो बहुत केयरफ्री होकर के चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर किस वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं मसले हैं और किसी लेवल पर एक ऑब्स्टिकल वो महसूस कर रहे हैं अब देखिए ये सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा बट अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूँ एक्वेरियस तो किंग ऑफ सोस क्वीन ऑफ सोस के कार्ड्स कहते हैं कि आप बड़े ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं और बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं तो उनको ये बात हर्ट कर सकती है या उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है बहुत बड़ा एक ऑप्स्टिकल हो सकता है और कहीं एंड दिसंबर में वो भी चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में जाते हुए दिख रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है जैसे चीज़ें जा रही हैं वैसे जाने तो जब होगा ठीक तो हो जाएगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं तो इस एनर्जीज़ में वो रह सकते हैं आप देखते हैं एक्वेरियस कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो दिसंबर के लिए यहाँ पे टाइम एंड टेन ऑफ सोज रिवर्स के कार्ड्स हैं टेन ऑफ सोज रिवर्स का कार्ड कहता है कि अगेन कुछ इश्यूज़ मसले पीछे रहे हैं और कहीं दिसंबर स्टार्टिंग में उनमें से बाहर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक निकलना चाह रहे हैं कोई एक जन बहुत हर्ट हुए हैं टेन ऑफ सोस का कार्ड कहता है और आपके लिए थ्री ऑफ सोस का कार्ड भी इसी चीज़ को कन्फर्म करता है कि एक्वेरियस आप बहुत हर्ट हुए हैं डीपर लेवल के लिए आप बहुत हर्ट हुए हैं या फिर आप बहुत हर्ट हो रहे हैं दिसंबर स्टार्टिंग में और टाइम का कार्ड कहता है शायद थोड़ा सा सब्र थोड़ा सा एक पेशेंस आप रखना चाह रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए और टाइम पर चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं मिड दिसंबर के लिए राइडर का कार्ड कहता है कि जो भी इश्यूज़ मसले हैं कोई इंसान कोई सिचुएशन के आने से होते हुए दिख रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट आपके यू नो पार्टनर इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं आपकी एनर्जीज रह रही हैं अगेन एक स्टेबिलिटी एक बहुत सिक्योरिटी एक बहुत सेफ फीलिंग आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को रिलेशनशिप में नहीं होती हुई दिख रही है थ्री ऑफ वन्स रिवर्स का, का कार्ड कहता है किसी चीज़ का इंतज़ार एक्वेरियस आप कर रहे हैं और जो भी दिसंबर मंथ में हो रहा है वो आपके लिए इतना अहम नहीं रह रहा है कहीं आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चीज़ों को ज़्यादा डील करना चाह रहे हैं लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है एक रेस्टलेसनेस एंजाइटी आपको रह सकती है क्योंकि आप सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील तो करना चाह रहे हैं लेकिन उतना सब्र उतना पेशेंस रखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है एंड अगेन डीपर लेवल के लिए राइडर का कार्ड कहता है इन एंड आउट आप या तो इस रिलेशनशिप से हो रहे हैं कभी आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या कभी आप एक लव केयर महसूस करते हैं कभी आपको लगता है छोड़ो जाने दो कोई फ़ायदा नहीं है तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं एंड एंड दिसंबर के लिए फॉक्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं या तो आप थोड़े से मेनुपलेटिव हो रहे हैं या आपके पार्टनर थोड़े से मेनुपलेटिव हो रहे हैं या आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर उतनी आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और ओवर इमोशनल ओवर सेंटिमेंटल आप कहीं एंड दिसंबर में होते हुए दिख रहे हैं इनफैक्ट देखिए आपके लिए सोच के कार्ड से तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं लेकिन येस yes, बहुत सेंसिटिव आप डेफिनेटली होते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं और कुछ एक्वेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को मेनोपुलेट कर रहे हैं यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि दिखाना पड़ेगा दिखाया नहीं तो फिर सामने वाले को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होगी तो इस तरीके की भी एनर्जीज़ <coughs> एक्वेरियस रह सकती हैं बाकी फॉक्स मेनोपोलेटिव एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है और क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है तो या तो फिर से मैं कहूँगी इमोशंस फीलिंग्स आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मेनपुलेट uh, कर रहे हैं uh, फिर से एक बारी क्लियर कर दूं आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपकी इमोशंस और फीलिंग्स को मेनुपुलेट कर रहे हैं या फिर आप थोड़ा सा यू you नो know, अपना इमोशनल सेल्फ दिखा रहे हैं पार्टनर को मेनुपुलेट करने के लिए और मैंने हमेशा कहा है जब तक ये मेनुपलेशन हेल्दी है इट्स फाइन कोई बात नहीं और ज़रा सा भी आपको लगे कि भाई मेनुपुलेशन के पीछे इंटेंशंस मोटिव्स ठीक नहीं है तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 की लफ्ट आरो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें